कि जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बार पैसा उसा दे के वो लोग वोट ले लिया करते थे। कहने का मतलब है कि पहले जो चुनाव होती थी उस तरह से चुनाव इस बार नहीं दिख रहा है कहीं से। राष्ट्रीय जनता दल से शंभू कुमार के नाम से उम्मीदवार हैं, उसी के आगे उनको अपना समर्थन देना है, लेकिन सिर्फ 3 बार पद पे रहे हैं, जनता के लिए किसी काम के न रहे, जनप्रतिनिधि के लिए किसी काम के लिए नहीं रहे। मुजफ्फरपुर में MLC चुनाव में पिछले 3 बार से एक ही शख्सियत है दिनेश सिंह, उनका कब्जा रहा। इस बार RJD के उम्मीदवार शंभू कुमार उन्हें चुनौती दे रहे हैं और शंभू जी हमारे साथ हैं। शंभू जी, आपने स्लोगन दिया है जय शंभू तय शंभू, इस बार जो पहले से तय आता आ रहा है, क्या उसमें परिवर्तन होगा इस बार? देखिए, इस बार जो परिवर्तन का जो कारण है वो बहुतों सारे ढेरों कारण है। ये 4th बार का चुनाव हो रहा है दिनेश बाबू का, MLC का जो चुनाव है 4th टर्म का चुनाव, 3 बार उससे पहले MLC पद पर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 बार पद पे रहे हैं, जनता के लिए किसी काम के न रहे, जनप्रतिनिधि के लिए किसी काम के लिए नहीं रहे हैं। जो हमारे यहाँ से आवाज निकली थी धनबल का और जनबल का, तो एक एक जनप्रतिनिधि उस धनबल के बारे में गुना भाग किए कि इससे पहले जो धनबल का प्रयोग किया गया जिसमें 90% इस बार नए प्रतिनिधि चुन के आए हैं, वो क्यों आए? वो इसलिए चुन के आए कि उन्होंने समाज में काम नहीं किया। और दिनेश बाबू इसमें मुख्य मुद्दा बन गए क्या कि उनको काम करने का अवसर नहीं दिए, तो उनका वोट ले लिए और उनका कोई काम नहीं किए। जो नए जनप्रतिनिधि है उन सबका कहना है कि जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बार पैसा उसा दे के वो लोग वोट ले लिया करते थे कि वार्ड मेंबर साहब को पिछले बार 15,000, फलना को 20,000, फलना को 25,000, तो सभी वार्ड मेंबर भाई ने यह गुना बैठाया कि यदि 15,000 रुपया पिछले बार सब वार्ड मेंबर को दिया गया था जो भी हुआ, तो 6 साल में 15,000 रुपया का गुना भाग बैठाने से 6 रुपया 65 पैसा का प्रतिदिन का उनका निकलता है, 6 रुपया 65 पैसा। यह स्वाभिमान पर धक्का लगा कि लोग एक बार 6 रुपया 65 पैसा में दुकान पर जाने के बाद कोई एक सामान नहीं मिलता है। कई बार से चुनते हुए आ रहे हैं, शंभू जी आपके पास आए हैं, शंभू जी आए हैं और इस बार चुनाव, शंभू जी कई बार कह भी रहे थे कि इस बार लग रहा है कि चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव रहा है, चुनाव किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, चुनाव तो टसल की लड़ाई चल रही है, अब इसमें परिणाम हम लोग तो एक पंचायत के हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि पहले जो चुनाव होती थी उस तरह से चुनाव इस बार नहीं दिख रहा है कहीं से। धनबल बाहुबल की बात यहाँ पर हमेशा होती रही है, आपको आपको लगता है कि इस बार का चुनाव कुछ उस तरफ गया? देखिए, होता क्या है कि हर वक्त धनबल भी काम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग भी मुखिया बने हैं तो हम लोग का भी धनबल ज्यादा का प्रयोग नहीं हुआ है। लोग इस बार अच्छे उम्मीदवार को चुने हैं, हर लोग बदलाव के मूड में रहते हैं और इस बार भी लोग। शंभू जी, इस बार शंभू नाम से 2 प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जो कंफ्यूजन, जो मतदाता कंफ्यूज है, उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मेरे जितने भी सब जनप्रतिनिधि भाई हैं, वार्ड मेंबर भाई, समिति भाई, मुखिया जी, जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको मालूम है कि हम सीरियल नंबर में 3rd नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल से शंभू कुमार के नाम से उम्मीदवार हैं, उसी के आगे उनको अपना समर्थन देना है। ये सब भाई को पता है, सारे जनप्रतिनिधि भाई को पता है, वार्ड मेंबर भाई को, समिति भाई को, मुखिया जी को, जिला परिषद भाई को, सब भाई को ये पता है। 2 नाम है तो उसमें नहीं लगता कि कुछ परेशानी होगी? ये कई बार इस तरह की समस्या आती है कि वोट गलत पड़ जाता है जिनको देना होता है। देखिए, कुमार सिंह है, सिर्फ शंभू कुमार। देखिए, दूसरा जो नाम है वो शंभू सिंह है और इसमें दो उम्मीदवार हो गए, एक शंभू सिंह भी हो गए हैं और एक दिनेश प्रसाद सिंह भी हो गए हैं, तो ये तो जाने कहने का मतलब है हम सिर्फ शंभू कुमार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हम सिर्फ शंभू कुमार 3 नंबर पर व्यवस्थित हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे, ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ,
अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।